अस्सलाम वालेकुम चिल्ड्रन, कैसे हैं आप लोग जी? तो आप क्या कर रहे थे जी? वीडियो लेसन देख रहे थे। गुड, वेरी गुड जी। इस्लामियत की क्लास है। इस्लामियत में हम क्या करने वाले हैं? अपना छठा सबक जो कि सफ़ा नंबर 24 पर है वो पढ़ेंगे। उसका नाम है ये महफूज हो गया। जी बच्चों, हमारे पास एक नया चैप्टर है। आज मैं क्या कर रही थी? आज मैं कुरान शरीफ पढ़ रही थी जी। कुरान शरीफ पढ़ रही थी मैं, बैठे बैठे पढ़ रही थी। तो क्या हुआ, तो मुझे ये समझ में आया कि कुरान शरीफ तो हर तरीके से हम पढ़ सकते हैं। ये देखिए, ये मेरा मोबाइल फ़ोन है, मैं इस पर भी कुरान शरीफ पढ़ सकती हूँ। मैं USB अपने कंप्यूटर पर लगा कर उससे भी कुरान शरीफ पढ़ सकती हूँ। और कुरान शरीफ मुझे ज़रूरत नहीं कि मैं अपने क्लास में, ऑफिस में या घर में, किसी भी जगह पर बग़ैर किसी मुश्किल के पढ़ सकती हूँ। क्योंकि कुरान शरीफ छोटे से छोटे माइक्रोचिप से लेकर बड़े से बड़ी किताब में ये मिल सकता है मुझे। अल्लाह का कलाम है, अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में वाज़ह फरमाया है, बल होवा कुरान फी लौहे महफूज, यानी हमने कुरान शरीफ को लोहे महफूज में महफूज कर दिया है। तो अब हम कुरान शरीफ पढ़ना चाहें तो हम किसी भी सूरत में कुरान शरीफ को पढ़ सकते हैं। अल्लाह ताला ने हमें 8 चीज़ें अता की जो कि हमारे इनामात हैं जी। हमने अपनी नॉलेज में हासिल किया था कि अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया, हमें शक्ल दी, हमें रिस्क अता किया, हमें ताकत दी, अल्लाह की मदद है और हमारी ज़िंदगी है। फिर हम उसके बाद ज़िंदगी के बाद हमें मौत आती है और फिर आगे दोबारा पैदा होते हैं। इसके साथ 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 हमें कुरान शरीफ और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत भी मिली जो कि हमारा इनाम है। तो हम कुरान शरीफ के बारे में आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कुरान शरीफ चाहे किसी भी सूरत में हो, हम कंप्यूटर से देख रहे हों, टैब से देख रहे हों, लैपटॉप पर देख रहे हों या अपने मोबाइल पर देख रहे हों, हम उसके ज़रिए कुरान शरीफ पढ़ सकते हैं। और किताबों की सूरत में तो आपको पता ही है कि किताबें, सिपारे और कुरान शरीफ हमारे घर में मौजूद है। लेकिन हम कहीं बैठे हैं और हमने कुरान शरीफ के बारे में नॉलेज हासिल करनी है, कुरान शरीफ को पढ़ना है, तो हम कहीं भी बैठ के पढ़ सकते हैं। कुरान शरीफ जो है मुख्तलिफ चैनल्स पर टीवी के, आपने देखा है कि मुख्तलिफ चैनल्स जो हैं वो कुरान शरीफ के बारे में बता रहे होते हैं, कुरान शरीफ पढ़ रहे होते हैं, तिलावत आ रही होती है सुबह से लेकर शाम तक। बाज़ चैनल्स तो ऐसे हैं जो 24 आवर्स कुरान शरीफ की तिलावत पेश कर रहे होते हैं। मस्जिदों से भी कुरान शरीफ पढ़ा जा रहा होता है। रमज़ान करीम ऐसा महीना जिसमें सबसे ज़्यादा कुरान शरीफ पढ़ा जाता है। क्यों पढ़ा जाता है कुरान शरीफ सबसे ज़्यादा? क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है कि आम दिनों की एक इबादत और रमज़ान शरीफ की 10 गुना इबादत होती है। सवाब हमें जो है वो रमज़ान में हर इबादत का, बिलखसूस कुरान शरीफ पढ़ने का 10 गुना मिलता है। और कुरान शरीफ को रमज़ान करीम के महीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया था। तो हम ये भी देखते हैं कि कुरान शरीफ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कुरान शरीफ हम अल्लाह ताला के बताए हुए तरीके के हिसाब से पढ़ते हैं जी। अल्लाह ताला ने हमें कौन सा तरीका बताया कि किस तरीके से हमने कुरान शरीफ पढ़ना है जी? कुरान शरीफ अरबी ज़बान में है और कुरान शरीफ को बैठ कर सुकून से पढ़ना है, वज़ू करके, बावज़ू होके पढ़ना है। मुतमईन और सुकून के साथ आप आहिस्ता आहिस्ता ठहर ठहर के उसकी तिलावत करें। आप देखें कि कितना सुकून मिलता है, कितने मुतमईन होते हैं। अल्लाह ताला ने हमारी आसानी के लिए अब तो कुरान शरीफ हर जगह पहुंचा दिया है। आप पाकिस्तान में हों, चाहे किसी भी आप वर्ल्ड में किसी भी कंट्री में हो, आपको कुरान शरीफ बिल्कुल आसानी से मिल जाता है जी। हर जगह हर ज़बान में इसका तर्जमा भी हो चुका है। आप अगर उसको समझ के पढ़ना चाहते हैं तो आपकी जो ज़बान है उसमें आपको उसका तर्जमा मिल जाता है जी। हाँ, इंग्लिश है, उर्दू है, फ्रेंच है, चाहे जर्मन है,
या कोई भी ऐसी ज़बान है जिसमें आप तर्जुमा चाहते हैं और पढ़ सकते हैं, आपको उस ज़बान में कुरान शरीफ का तर्जुमा मिल जाता है। कुरान शरीफ जो है अल्लाह ताला ने छोटी से छोटी आयत की सूरत में से लेकर बड़ी आयतों की सूरत में एक सूरत बनाई और अल्लाह ताला के नबी पर नाजिल फरमाया, ख़ातम नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब कुरान शरीफ उतरा तो छोटी छोटी आयतों में उतरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको याद करने की कोशिश की और याद करने के लिए वो मसरूफ़ रहते और कोशिश करते कि मुझे वो सूरत याद हो जाए। तो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे याददाश्त दी, ऐसा हाफ़िज़ा दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन उस सूरत को याद कर लेते थे, ठीक है ना। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ मुख्तलिफ हफ्फाज़ कराम और ऐसे सहाबी भी थे जिन्होंने कुरान शरीफ याद किया और फिर बाद में उसको लिखा। आजकल भी आप देखते हैं ना कि जब आप तरावी पढ़ते हैं तो आपके जो हाफिज साहब हैं उनको कैसे माशाल्लाह माशाल्लाह फर फर याद होता है कुरान शरीफ, और वो अपनी कुरान शरीफ की रवानी से वो अपनी नमाज हमारी तरावी पढ़ा रहे हैं और पढ़ाते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से। कुरान शरीफ को महफूज करने का ज़िम्मा अल्लाह ने लिया और अल्लाह ताला इसकी हिफाजत कर रहे हैं। कुरान शरीफ जो है वो अल्लाह की किताब है, अल्लाह ताला ने हमारे जहनों पे महफूज कर दिया है, ठीक है ना। तो हमने क्या करना है, हमने बार बार कुरान शरीफ को पढ़ना है और हमने कोशिश करनी है कि इसकी मुख्तलिफ सूरतें छोटी से छोटी सूरत से लेकर बड़ी सूरतों तक याद करने की कोशिश करें। सूरह यासीन को कुरान शरीफ का दिल कहा जाता है, उसको याद करने की कोशिश करें, सूरह रहमान को याद करने की कोशिश करें, और बहुत छोटी छोटी सूरतें हैं जो कि 30वें पारे में हैं, तो बच्चों आप कोशिश करके वो याद करेंगे। और हम क्या करेंगे, हमने तो सूरह आला की आयतें याद करनी है ना, तो हम तो सूरह आला की आयतें याद कर रहे हैं, वो भी हम याद करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारी 5 आयतें तो कंप्लीट हो चुकी हैं, इस सबक के बाद हम अपनी 6ठी आयत याद करेंगे, ठीक है। तो हमने आज पढ़ा कि कुरान शरीफ ये महफूज हो गया है और ये इसकी ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला ने ली हुई है। आपने क्या करना है, आपने इस वीडियो लेसन को अगेन देखना है और याद करने की कोशिश करनी है कि हमारे लिए अल्लाह ताला ने रहनुमाई इसमें किस तरह दी है, ठीक है। बच्चों मिलेंगे अगली क्लास में, अपने टीचर को आप फीडबैक देंगे। अल्लाह हाफिज़। Thank you.